धर्मपुरी विधायक पांचीलाल मीणा और धामनो शराब ठेकेदार के बीच विवाद। विधायक धर्मपुरी ने शराब ठेकेदार पर अशब्द और जाति सूचक शब्द कहने के लगाए आरोप। शराब ठेकेदार ने विधायक और उनके समर्थकों पर लगाया 20 लाख रुपए की मांग और उनके साथ मारपीट करने का आरोप। वहीं दोनों पक्षों की ओर से थाने पर दिया आवेदन। धामनोद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल धार जिले के धर्मपुरी कांग्रेसी विधायक पांचीलाल मीणा और धामनोद शराब ठेकेदार के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक मीणा की माने तो धामनोद शराब ठेकेदार के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपशब्द और जाति सूचक शब्द कहे जाने का आरोप लगाया है। साथ ही शराब ठेकेदार फूलवंत सिंह ने विधायक पांचीलाल मीणा की मौजूदगी में उनके समर्थकों द्वारा उनसे मारपीट और 20 लाख रुपए और शराब की मांग की, साथ ही इसका आरोप भी लगाया है। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों की ओर से धामनोद थाने में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई का आवेदन दिया गया है। वहीं धामनोद पुलिस ने विधायक पांचीलाल मीणा और शराब ठेकेदार फुलबदन सिंह के द्वारा थाने पर दिए गए आवेदन के बाद उचित कार्रवाई की बात भी कही है। इस हाथापाई में श्री सिंह की एक उंगली पर गंभीर चोट भी आई है, जबकि उनकी दाई आंख पर भी चोट के निशान है। मामले की सूचना लगते ही सिंह की पत्नी और वाइन शॉप के सहयोगी शैलेंद्र जायसवाल भी थाने पर अपने सहयोगी के साथ पहुंचे और विधायक सहित उनके समर्थकों के खिलाफ आवेदन सौंपा। वहीं पुलिस के द्वारा सिंह को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। मामले की जानकारी लगते ही गृह मंत्री बाला बच्चन भी धामनोद पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या राजेश भाई सर, खाली एफ आई आर की बात करो, कॉपी लो ना। सर हाँ दारू की बात करें तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर आधा घंटा बाद विधायक का फोन आया तो बोले हमारे कार्यकर्ताओं को दारू नहीं देते। तो मैंने भैया आपने बताया नहीं कि आपके घर करता है, अब वो हाल में जानते ही नहीं है। इसलिए मैंने मना कर दिया था, आप बोलते तो मैं भिजवा देता। तो फिर गाली वाली दिया ना, फोन काट दिया। उसके बाद मैंने भीम सिंह को लगाया, गौतम को लगाया, सबको बताया इसी की बात। तो बोले चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। उसके बाद शाम को फिर फोन आया वनीलाल का, वो बोला कि भैया आ जाओ, कहाँ पे हो? मैं समझा कि ये लोगों से बातचीत हो गई होगी इसलिए बुला रहा। बोले भैया जान दो, जो हो गया गलती हो गई, अपन आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, कभी मिले कम से कम दुआ सलाम तो फाटे पे आ जाओ, यहीं तो मतलब घर पे आ जाओ, यहीं चाय वे पीते हैं। बोले नहीं, दारू पिए हैं, घर पे आना ठीक नहीं है, यहीं बात कर लेते हैं। जब वहाँ गए तो चार पाँच लोग गाड़ी में से उतरे और फटाफट गाड़ी के अंदर भर लिए, एसयूवी गाड़ी थी, लेके गए प्रकाश नगर। वहाँ विधायक के ऑफिस में ले जाके कमरे में बंद करके पहले विधायक ने कालर पकड़ा, गाली वाली देने लगा, फिर ये लोग मारना चालू किए। अनिल लाल था एक बिने पाटीदार और चार तीन चार लोग तो उनको पहचानता नहीं। वहाँ करीब हमको 12 बजे छोड़े, बंधक बना के रखे थे 11:30 बजे। फिर 20 लाख रुपए की मांग करी। फिर मैंने मेरे से फ़ोन लगवाया, मैंने ऑफिस में फ़ोन लगाया, बोला मेरा जी के यहाँ 20 लाख रुपया की व्यवस्था करके लेके आ। इतने में फ़ोन छीन लीजिए, बोले मेरा जी के ऑफिस में नहीं आएगा, मान लो तुम भेजवा वहाँ अनालसा भेजवा पैसा। फिर मोबाइल में से चिप वगैरह निकाल के फेंक दिए। उसके बाद मारपीट करी, फिर उसके बाद गाड़ी से लेके आए मांडो पर यहाँ महेश्वर भाटा पे छोड़ के मैं 12:30 बजे। अच्छा, इतना उसके बाद फिर पुलिस में गए, पुलिस में वहाँ पे उन्होंने FIR तो नहीं करी, आवेदन लिया, MLC वगैरह करवाया। सुबह का बोले हैं 10 बजे बुलाए हैं, अब जाते हैं। पूर्व में ऐसी कोई घटना नहीं? पूर्व में कोई ऐसी घटना नहीं। क्या चाहते हैं? हम तो FIR चाहते हैं, इनके खिलाफ फाइनिंग, ये गुंडा कभी नहीं चाहिए। आपने आपके दो समर्थकों द्वारा ठेकेदार को उठवाकर कार्यालय पे ले जाकर मारपीट की और 20 लाख की मांग की, ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कोई ऐसे उठाने वाले समर्थक नहीं है। अगर उठवाना होता तो मैं उठवाने की क्या जरूरत, मेरी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं तो अधिकारियों को बोल के
उनके खिलाफ काम कार्रवाई करवाता। मुझे मारने की जरूरत, धमकी देने की जरूरत थोड़ी है। तो आधिकारिक तौर पे शासकीय कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हो पाई? आपके विधायक बने 3 महीने हो चुके हैं। मैंने कार्रवाई करने के लिए इनको बार बार, परसों भी बैठक थी हमारे डीआई साहब के साथ में, एसडीपी साहब को भी कहा, तो उन्होंने भी मुझे क्या कारण रहा कि आप विधायक होने के बावजूद पुलिस आपका सुनवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस की मुझे क्या मंशा है, वो पुलिस की अव्यवस्था आए, अब क्या परसों रंग पंचमी की वजह से, होली की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि एक दो दिन बाद इसके ऊपर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, ऐसे टीआई साहब ने भी मुझे अवगत करवाया था 3 दिन पहले। ठीक, हम पूरी इस घटनाक्रम की जांच करा लेते हैं। और मैं विधायक जी को बहुत लंबे समय से मैं जानता हूँ, बहुत पुराने हमारे संबंध है और वो हमारे साथी और हमारे पार्टी के विधायक हैं। इस पूरे घटनाक्रम की हम जांच करवा लेते हैं और जो भी इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। कल जो घटनाक्रम उसको मैं दिखवा लेता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का हक और अधिकार किसी को भी नहीं। जो भी इसका कानून का उल्लंघन करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का काम करेंगे, ठीक है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धर्मपुर विधायक ने कोई मांग नहीं की है, न कोई मारपीट की है, न ही कोई ऐसी बात हुई है। जो भी हुआ है कुछ असामाजिक तत्व ने लोगों ने किया है। मुझे प्रदेश कांग्रेस से भी देश मिले हैं, मैंने जो मेरे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को लिखा है वो तो उनसे रिपोर्ट मांगी है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जो लोगों ने शराब ठेकेदार के साथ में बदतमीजी की, मारपीट की, उनको सजा दी। पाचीलाल मीणा ने एक आरोप भी लगाया है कि जो ठेकेदार है उसकी कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों की मिलीभगत भी है उन ठेकेदारियों में, व्यवसाय में, क्या कहना चाहेंगे? ये बात सच है कि कुछ बीजेपी के लोग उनसे मिले, उनको टेलीफोन बताया, धमकाया भी, उन्होंने बयान दिया है, लेकिन विधायक जी ने ऐसा भी काम नहीं किया है जिससे कि उन पर पाओ। मतलब 20 लाख रुपए मांगने का आरोप झूठा है? 20 लाख का आरोप झूठा सच्चा में विधायक के नहीं कहते, विधायक ने जो लगाया है ये झूठा है। ये जरूर जो मुझे संज्ञान में आया कुछ लोगों ने उससे मांग दी है, अगर हमारे लोग उसमें होंगे तो उनको सजा मिलेगी।